सो हाई एंड वेलकम टू दिसोड विद मी आर श्यूर इस वीडियो में हम बात करने वाले दैट हाउ कैन आई गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर माई एमबीए और इस वीडियो में स्पेसिफिकली आल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट बैंक विदर लोन प्रोसेस और भी बहुत सारी चीजें सो लेट्स गेट सारे

कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है इस पर एक वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए बिकॉज आई हैव क्रिएटेड आई विल क्रिएट वीडियो स्टूडेंट्स और वो मैं कहीं कहीं चैनल पे अपलोड करूंगी तो पहले तो ऑल दो शाउट आउट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो दट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर लोन नाउ राइट मेक अ प्लान टू पे फॉर एन एम बी ए एक होता है फ्री वाला ऑप्शन जहां पर आपके अकेडमिक्स और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं एंड देर आर ऑप्शन देर आर स्कॉलरशिप जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं बट उसके लिए वो केस बहुत रेयर स्टूडेंट्स के साथ होता है बिकॉज जितने भी अभी न्यू ट्रेंड कॉलेजेस हैं वो पूरी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं वो एक लाख दो लाख तीन लाख और उसके लिए भी आपका पर्सनटाइज जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए देन कंसिडर अ रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट स्टूडेंट लोन ये दूसरी ऐसी चीज़ है एक ये फ्री मनी में तो आप पिताजी की मनी को फ्री मनी भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज उसको आपको वापस नहीं करना है पहली चीज़ यू नो एंड बट जो दूसरा अमाउंट है जिससे आई थिंक इंडिया में 50 परसेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल अपनी एजुकेशन के लिए जाते हैं दैट इज एजुकेशन लोन अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है राइट फ्री मनी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं पर्सनल आपकी हो सकती हैं बहुत सारे लोग जॉब करते हैं कुछ सेव करके जाते हैं हर साल मैं कई तरह के स्टूडेंट इंट्रैक्ट करती हूँ बिजनेस स्कूल स्कॉलरशिप एंड ग्रांड्स ये कॉलेज प्रोवाइड करते हैं बट आई थिंक अभी में कोई भी ऐसा कॉलेज है जो हंड्रेड ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप देता है उसके अलावा अदर स्कॉलरशिप के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या उसके अलावा भी कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी भी स्पॉन्सर करती है योर एमबीए राइट नाउ कंसिडर रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट स्टूडेंट लोन अब ये सारे बैंक हैं और ये सब इनके इंटरेस्ट रेट है मैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एड ये करना चाहती हूं कि किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए राइट right? अगर आप नॉन कोलाट्रल लोन राइट right? नॉन मतलब जहां पे आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रख रहे हो कोलैटरल मतलब आपने कोई चीज गिरवी रखी उस वैल्यू पे आपको लोन मिल रहा है उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है बट वेन एवर यू गोइंग फॉर अ नॉन कोलैटरल लोन वहां पे राइट right? आपके पेरेंट्स का आपके फादर का आई इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कंपलसरी मैंडेटरी एंड मस्ट हो जाता है और मैंने हर साल कई सारे बच्चे देखे हैं क्योंकि उनके फादर फार्मर हैं वो आई नहीं भरते हैं तो दे काइंड ऑफ सफर विद दिस तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है तो एक्सिस बैंक देता है बट इनका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज थर्टीन पॉइंट सेवन जीरो विच इज क्वाइट हायर बैंक ऑफ बड़ोडा अभी इस शीट पे आई थिंक आई सबसे कम देता है जिसका है सिक्स का इंटरेस्ट रेट राइट टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ये इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए मैं अब्रॉड के लिए बात नहीं कर रही हूं देन उसके बाद बैंक ऑफ बड़ोडा सेवन पॉइंट सेवन जीरो परसेंट देता है देन उसके बाद कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है एट पॉइंट फाइव परसेंट है देन उसके बाद जो हाई पीक पे है बैंक ऑफ इंडिया नाइन परसेंट 9.05% फेडरल बैंक जो है, वो 7 7 पे देता है पर गवर्नमेंट बैंक है तो डॉक्यूमेंटेशन बाकी सारी चीजें जो है वो उनको एट पार चाहिए तो कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक श्योर की आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो विच इज रिक्वाइट